ഇന്ത്യൻ മാധ്യമത്തോട് നീരജ് ചോപ്ര സംസാരിക്കുകയാണ് നീരജ് മെനി മെനി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടെൽസ് ഹൗ പ്രൗഡ് യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് എ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫൈനൽ ബിൽക്കുൽ കാഫി തഗഡ കോമ്പറ്റീഷൻ താ ഓർ ഫിർ ബി അപ്നെ ദേശ് കേ ലിയേ മെഡൽ ജീതാ ഹൈ തോ യേ ബഹുത് അച്ഛി ബാത് ഹൈ ബിൽക്കുൽ ശായദ് സേ നാഷണൽ ആന്തം കാ ജോ സഭി കാ വോ താ വോ ശായദ് സേ നീ ഹോ പായാ ലേക്കിൻ ഫിർ ബി അപ്നി കൺട്രി കേ ലിയേ ജീതനാ വോ ഉസ്കി ബഹുത് ജ്യാദാ ഖുശി ഹൈ ഓർ वही है कंट्री अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना और कोई भी मेडल जीतना उसमें अपने आप में एक बहुत गर्व की बात होती है और रही बात गोल्ड की आज वो ऊपर वाले का हाथ अरशद के ऊपर था तो उसके उसको उसको बहुत बहुत बधाई और उसने जो मेहनत की थी उस थ्रो की वो थ्रो निकली आज और वो बहुत अच्छी बात है फॉर ए लेमैन देयर इज नथिंग बिगर देन एन इंडिया पैक फाइनल When Arshad reached that 92.97, what were you thinking at that time? मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि आज वो दिन है शायद जो 90 मीटर क्वेश्चन चलता रहता है तो आज वो दिन है कि वो निकलेगी थ्रो भले ही दिक्कतें थी या ये प्रॉब्लम चल रही थी इंजरी की और एक ही थ्रो न पाई वो 89 वाली बाकी सभी थ्रो फाउल थी आज लग रहा था कि हाँ वो निकलेगी लेकिन कोई बात नहीं आज भी वो दिन नहीं था यार मेडल जीता कंट्री के लिए उसकी खुशी है लेकिन चीज़ें हैं उन पे काम करेंगे आगे फिर मौके मिलेंगे फिर कंपटीशन होगा तो फिर आने वाले टाइम में फिर से अपने देश के लिए ऐसा करेंगे मेरे जो लास्ट क्वेश्चन मेनी बिलीव दैट यू हैव सिमेंटेड योर पोजीशन एज द ग्रेटेस्ट एथलीट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सो व्हेन यू हियर दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स व्हाट डू यू फील एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट नहीं मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है और हमेशा ऐसे ही चलता रहूँगा और ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा और जितना ज़्यादा जीते जितने ज़्यादा अपनी कंट्री के नाम टाइटल लेके आए जितना अपने फ्लैग को ऊपर लेके जाए उतना ही कम है और ये फीलिंग मुझे लगता है कि मेरे अंदर कभी ना आए ग्रेटेस्ट एथलीट वाली हमेशा से जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे जब तक शरीर चलेगा दिमाग साथ देगा वो स्ट्रेंथ बनी रहेगी जब तक करेंगे और जब पूरा हो जाएगा तो चुपचाप नमस्ते कर देंगे कीप गोइंग नीरज थैंक यू वेरी मच पेरिस से जोबी जॉर्ज एशियानेट न्यूज़